हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल पी सी एम बी डिजिटल गुरुकुल तो बेटा आज हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बायोमोल्यूल का टॉपिक है कल हमने हाउ एनालाइज केमिकल कंपोजिशन पढ़ लिया था तो इसमें हम देखेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल छोटे बड़े को अलग करते हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके स्ट्रक्चर वगैरह का पता भी करते हैं और इस तरीके के मॉलिक्यूल्स निकाल कर अगर उनकी लिस्ट बनाएं तो इसमें अमीनो एसिड्स शुगर वगैरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे और इन मॉलिक्यूल्स को हम मेटाबोलाइट्स कह सकते हैं जैसा कि हमें नाइन पॉइंट टेन सेक्शन में दिया गया है तो भी सेक्शन आगे आ जाएगा वो इन एनिमल टिश्यूज़ वन नोटस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स जो कि आपको नाइन पॉइंट वन फिगर में बताई गई थी ये सब के सब हमें एनिमल टिश्यू में फ़ैट या अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स या न्यूक्लियोटाइड्स सब दिखते हैं इस तरीके के जो मेन मॉलिक्यूल्स हैं जो फिगर में दिखाए गए हैं नाइन पॉइंट वन में उन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं हालांकि जब हम एनिमल के अलावा किसी और टिश्यू पर जाते हैं जैसे कि प्लांट फंकल या माइक्रोबियल तो वहाँ पर हम इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा एल्कलॉइड फ्लेवनॉइडस रबर असेंशल ऑयल्स एंटीबायोटिक्स भी दिखते हैं स्कैंस गम जिनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का एक आइडेंटिफेबल फंक्शन होता है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन हमें अभी एट द मोमेंट आइडेंटिफाइबल तौर पे नहीं पता है हालांकि बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबलाइट्स जैसे रबर सेंस हमारे काम के होते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कीप सपोर्टिंग अस और ये टेबल 9.3 आप इन सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की देख सकते हैं